2005 में यहाँ छांगा मांगा में ये वल्चर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें WWF US और UAE ने इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग दी थी। और अब ये प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ जो है वो उनके साथ कोलेब्रेशन में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस वक्त इस फैसिलिटी में हमारे पास जो है वो 30 के करीब जो है वो बर्ड्स हैं। वल्चर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 1980 से पहले साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा तादाद में थे, हज़ारों और लाखों की तादाद में थे, लेकिन मिड 90s के बाद जो है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन वो होना शुरू हुई। और उसकी वजह ये थी कि वेटनरी में जो एक वेटनरी ड्रग थी डाइक्लोफेनेक, वो यूज़ होती थी वेटनेरियन लाइफ स्टॉक को ट्रीट करने के लिए, और वो ड्रग जो है वो इन वल्चर्स के लिए जो है वो हार्मफुल है, जिसकी वजह से इन वल्चर्स की जो है वो मॉर्टेलिटी हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलेशन जो है वो वाइल्ड से जो है वो ख़त्म होती गई। पाकिस्तान में 2007 तक जो है वो मोर देन 99% जो पॉपुलेशन वाइट बैक वल्चर की थी वाइल्ड में वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो उस वक़्त फिर उससे पहले हमने ये डिसाइड किया कि इन वल्चर्स को जो है वो वाइल्ड से पकड़ के हम यहाँ पे कैप्टिविटी में जो है वो रखें, ताकि हम इनको यहाँ कैप्टिविटी में वो ब्रीड करवा के तो फिर इनको वाइल्ड में इनको दोबारा जो है वो हम वो रिलीज़ कर सकें। ये फैसिलिटी 2015 से ऑनवर्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो बर्ड्स वो ब्रीड कर रहे हैं, और हर साल 2 to 3 बर्ड्स जो है वो इसमें ऐड अप हो रहे हैं। करंटली 30 बर्ड्स जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें 15 बर्ड्स जो है वो ऐसे हैं जो 2015 से ऑनवर्ड यहाँ पे इस फैसिलिटी में जो है वो ब्रीड हुए हैं। तो बर्ड्स जो है इस एवरी के अंदर नेचुरली इन नेस्ट हर साल जो है वो नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, और फिर एक पूरा जो है वो अपना जो ब्रीडिंग का साइकिल है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड इन बर्ड्स की जो है वो ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट होता है, जिसमें ये नेस्ट बिल्डिंग और पेयरिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद नवंबर में इनकी जो है वो एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद हैचिंग, और बाय द एंड ऑफ अप्रैल जो है ये बर्ड सक्सेसफुली इन नेस्ट से जो है वो फ्लैज आउट होते हैं। जी, इस इनक्लोजर में हमने जो है वो रैबिट्स रखे हुए हैं। ये इस पर्पज़ के लिए रखे हैं कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जब चिक्स होते हैं, तो चूंकि रैबिट्स इनका जो गोश्त है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वो हम उन चिक्स को जो है वो देने के लिए फिर हम इनको स्लाटर करते हैं, और इस पर्पज़ के लिए ये रैबिट्स हमने यहाँ पे ये रखे हुए हैं। इस इनक्लोजर में ये गोट्स हैं, और ये भी ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न और समटाइम नॉन ब्रीडिंग सीज़न हम कभी इसको ये इनको स्लाटर करके वल्चर्स की फीड में जो है वो हम शामिल करते हैं। वल्चर्स को जो मेजर फूड हम देते हैं वो डंकीज़ हैं, और ये डंकीज़ जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो हम 10 दिन तक इन डंकीज़ को क्वारंटाइन में रखते हैं, ताकि अगर उनमें डाइक्लोफेनेक के रेजिड्यूज़ हैं तो वो ख़त्म हो जाए। 10 दिन के बाद हम इनको स्लाटर करते हैं और फिर वल्चर्स को जो है वो फीड करवाते हैं। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जिसमें बर्ड्स पेयरिंग करते हैं, नेस्ट बिल्डिंग होती है, और उसके बाद जो एग लेइंग और देन उनकी इंक्यूबेशन और वो फ्लैजिंग होती है। इस ड्यूरेशन जो कैप्टिव ब्रीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पे विजिटर्स को इस फैसिलिटी में इनक्रेज नहीं करते, क्योंकि वो इस विज़िट के दौरान स्टूडेंट्स हों या दूसरे विजिटर्स हों वो बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद मई जून जुलाई और अगस्त, ये जो नॉन ब्रीडिंग सीज़न होता है,
उसमें हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ फैसिलिटी में जितने भी नेस्ट हमने इंस्टॉल किए हुए हैं बर्ड के, उनको हम उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं, उनको रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पे हम स्टिक्स वगैरह डालते हैं, और उसके बाद जूट के कुछ रोप्स वगैरह होते हैं, और अगर इसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटी में कोई मेंटेनेंस वगैरह होती है तो उस हवाले से हम वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर साल नॉन ब्रीडिंग सीज़न के दौरान हम वल्चर्स जो हैं वो उनकी डीवर्मिंग करते हैं। हम इन सारे बर्ड्स को पकड़ के तो इनकी हम डीवर्मिंग करते हैं, और वो जिसमें पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से इनके जो क्वालिफाइड वेटनेरियन हैं वो हमारे साथ जो है वो इस एक्टिविटी में वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो आइए अब हम आपको वो ले चलते हैं जहाँ पर हम इन वल्चर्स की जो है वो डीवर्मिंग करेंगे। ये डॉक्टर रिजवान साहब हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में। ये आपको बताएंगे कि ये जो अभी डीवर्मिंग की हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो ये इसमें क्या करते हैं और इस किस पर्पज़ के लिए हम करते हैं। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आज हम वल्चर्स की प्रोफिलेक्सिस के लिए यहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन सेंटर छांगा मांगा के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें ब्रीडिंग सीज़न इनका शुरू होने से पहले हम हर साल इनकी जो है वो तीन प्रोफ्लेक्सिस जो है वो करते हैं। उसमें नंबर वन डिवर्मिंग है। डिवर्मिंग का बेसिक मकसद जो है कि हम इनके जो पेट के अंदर वर्म्स वगैरह इंटरनल वर्म्स हैं उनको हम जो है वो ख़त्म कर सकें, ताकि अपना ये हेल्दी लाइफ स्पैन आगे गुजार सकें, ब्रीडिंग सीजन इनका अच्छा गुजरे। और ये हम एवरी ईयर जो है ना यहाँ पर करते हैं, जिसमें कि इसकी कैप्चरिंग करके ऑरली हम इसको डिवर्मर जो है वो दे रहे होते हैं। नंबर टू जो हमारी एक्टिविटी है कि हम एक्टोपैरासाइट से इनको फ्री करते हैं। उसके लिए इनकी अंडर विंग्स पे और पूरी बॉडी के ऊपर और ख़ास तौर पे पैरों के ऊपर हम फिप्रोनिल जो है वो स्प्रे कर रहे होते हैं। और नंबर थ्री एक्टिविटी जो है कि जो इनके पाज हैं, इनके पंजे हैं, उनके ऊपर हम इनको पायोडीन डिपिंग करवाते हैं, ताकि उसके अंदर कोई जो है बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस ग्रो ना कर सके। ये तीन एक्टिविटीज़ हम एवरी ईयर करते हैं ब्रीडिंग सीजन से पहले। वल्चर्स का जो हमारे माहौल में जो रोल है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये एक नेचुरल क्लीनर हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ये वो बर्ड्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। जब इनकी बहुत ज़्यादा तादाद थी, जब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं हुए थे, उस वक़्त जब भी जानवर मरते थे तो लोग उनको वाइल्ड में वो फेंक देते थे, तो ये वल्चर्स आते थे और विद इन मिनट्स जो है उस कारकस को या वो डेड एनिमल को जो है वो कंज्यूम कर देते थे। लेकिन अब जब से इनकी तादाद कम हुई है, अब वो लाइफ स्टॉक हो या कोई भी वाइल्ड एनिमल, जब वो एनवायरनमेंट में वो पड़े होते हैं तो वो उनसे वो डिफरेंट तरह के जो है वो जरासीम, जो एंथ्रैक्स और अदर डिफरेंट तरह की जो है वो बीमारियां वो जनरेट होती हैं, जो कि जिस वक्त ये वल्चर पहले मौजूद थे वो उनको कंज्यूम करते थे और वो नहीं थी। अब इसके ना होने से जो हमारे माहौल पे जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि इस तरह की वो स्टडीज़ जो है वो आ चुकी हैं कि रेबीज़ की जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा पहले से इंक्रीज़ वो कर गई है। क्योंकि पहले ये होता था कि कोई रेबीज़ इफ़ेक्टेड कोई जानवर अगर लोग उसको फेंक देते थे तो वो वल्चर्स उसको कंज्यूम करते थे और वो ख़त्म हो जाता था। अब वो जानवर जो वो वाइल्ड में फील्ड में इसी तरीके से वो पड़ा रहता है वो कार्कस, अब उसको डॉग्स या जैकॉल्स या जो अदर स्कैवेंजर्स है वो उसको कंज्यूम करते हैं, वो फिर वो रेबीज़ उनमें ट्रांसमिट होती है और वो फिर फर्दर आगे जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रही है। वल्चर्स का जब पेयर नेस्ट में होता है तो उस वक्त उसके मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना या डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा वो मुश्किल होता है कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग साइकिल बोथ पेरेंट्स जो हैं
वो नेस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद इवन इंक्यूबेशन के दौरान जो है वो मेल और फीमेल दोनों जो है वो उस एग को जो है इंक्यूबेट करते हैं, और उसके बाद इवन ड्यूरिंग ब्रूडिंग सीजन है टाइम जो होता है जिसमें वो चिक्स को फीडिंग करना, तो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उस बर्ड को जो है वो फीड वो कर रहे होते हैं। बर्ड्स वाइल्ड से या यहाँ जब उनको फीड कराया जाता है तो वो जो फूड है वो अपने उस क्रॉप में जो है वो लेके जाते हैं नेस्ट में, फिर उसको जो है वो वोमिट करते हैं और चिक उससे जो है वो फिर वो फीड लेता है, और ये प्रोसेस जो है वो फीडिंग का चिक को वो ऑलमोस्ट तकरीबन 4 महीने का जो है ये प्रोसेस होता है। 110 to 120 डेज तक जो है वो एक चिक नेस्ट में रहता है, और उसके बाद फिर वो फ्लैज करता है और इंडिपेंडेंटली वो फिर वाइल्ड से या जहाँ से भी है वो फूड लेने के काबिल होता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इन वल्चर्स के लिए जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इनकी कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स करें। लाइक हमने जो वाइल्ड में वल्चर सेफ़ जोन, जैसे नगर पार्कर में हमने वल्चर सेफ़ जोन जो है वो डिक्लेयर किया है, वहाँ पे जो नगर पार्कर कारुंजर हिल्स में हमारे पास जो है वल्चर ब्रीड कर रहे हैं, या जो वाइट बैक जो है इस वल्चर सेफ़ जोन में वो ब्रीड कर रहे हैं, उन वो अगर दरख्तों पे वो ब्रीड कर रहे हैं तो वो उन दरख्तों को जो है वो ना काटें, उनकी वो लूपिंग ना करें ताकि इन वल्चर के जो है वो नेस्ट जो है वो डैमेज ना हो। कारुंजर हिल्स में लोग जो हैं वो वहाँ पे गूगल को जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस होती है, जो बच्चे हैं वो स्टोन्स थ्रो करते हैं वो नेस्ट में, जिससे इनके जो एग्स हैं वो डैमेज होते हैं, वो बच्चे मर जाते हैं, तो काइंडली जो है वो इनके लिए वो डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें।